हेलो दोस्तों, आप ये दो कहावतें जरूर सुने होंगे कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, मैं तुमसे पाई पाई का हिसाब लूँगा। दोस्तों, क्या आपने इन दो कहावतों पे कभी गौर किया है कि आखिर इन दो कहावतों के बोले जाने के पीछे की सच्चाई क्या है, आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर आप इसके पीछे की सच्चाई को नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। इसे जानने से पहले आपको भारतीय मुद्रा के इतिहासों को जानना होगा। अभी हम भारतीय मुद्रा के तौर पे रुपया का इस्तेमाल करते हैं, इस रुपया को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर प्राचीन समय में भारत के लोग रुपया के जगह पे दूसरे मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले प्राचीन समय में भारत के लोग फूटी कौड़ी का इस्तेमाल करते थे, फूटी कौड़ी के बाद कौड़ी, कौड़ी के बाद आया दमड़ी, दमड़ी के बाद आया धेला, धेला से बना पाई, पाई से बना पैसा, और पैसा से बना आना, और आना से बना रुपया। उस समय तीन फूटी कौड़ी एक कौड़ी के बराबर होता था, दस कौड़ी एक दमड़ी के बराबर होता था, और दो दमड़ी एक धेला के बराबर होता था, एक धेला डेढ़ पाई के बराबर होता था, तीन पाई एक पैसा के बराबर होता था, और चार पैसा एक आना के बराबर होता था, और 16 आना एक रुपए के बराबर होता था। दोस्तों, ये था प्राचीन भारतीय मुद्राएं। इन्हीं प्राचीन भारतीय मुद्रा से ये दो कहावतें बहुत प्रचलित हुई, एक मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये फूटी कौड़ी प्राचीन भारत की सबसे छोटी मुद्रा है। उसी तरीके से मैं तुमसे पाई पाई का हिसाब लूंगा, यहाँ पे जो पाई है ये प्राचीन भारत की मुद्रा का नाम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।